आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। 5 बिंदुओं पर गड्ढा मुक्त चौक पड़े नाले की समस्या का होगा अस्थाई समाधान। कर्मचारियों को निर्देश, समस्या का हो अस्थाई समाधान। सिल्ट सफाई के लिए भी निर्देश दिए गए। व्यापारियों की समस्या को देख उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, NHI, PNC कर्मचारियों के साथ राजस्व कर्मियों ने किया स्थलीय निरीक्षण। चौड़गरा फतेहपुर में गड्ढा युक्त चौक नाले से आए दिन व्यापारियों की मुसीबत बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर जल निकासी की समस्या से समूचे कस्बे वासियों को बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। आम राहगीरों को भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बारिश से जल भराव में नाले में गिरकर लोग घायल हो रहे थे। कई बार तो चार पहिया और मोटरसाइकिल वाहन सहित बड़े बड़े हैवी वाहन भी नाले में फंस जाते थे। स्थानीय जनप्रतिनिधि पूर्व प्रमुख मलवा जितेंद्र सिंह गौतम की पहल पर उच्च अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को लेकर बुधवार को गड्ढों को पाट दिया था। शनिवार को उप जिलाधिकारी सदर प्रमोद झा के नेतृत्व में पहुंची NHI, PNC तहसीलदार विंदकी की मौजूदगी में सील्ड सफाई काम भी शुरू कराने के निर्देश दिए गए। व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए बताया गया कि 5 बिंदु अतिक्रमण हटाओ, नाले की सील्ड सफाई, जल निकासी के लिए पक्के नाले का निर्माण, कस्बे से बाहर की ओर रोड से नाले की ऊंचाई जैसे प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान में रखकर अस्थाई समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं व्यापारी महेंद्र सिंह ने बताया कि जल निकासी की समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराया जाए, जिससे कस्बावासी व्यापारियों का व्यापार प्रभावित ना हो। पूर्व ब्लॉक प्रमुख मलवा प्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह गौतम ने कहा है कि पूर्व में हुई त्रुटियों को सुधार कराया जाएगा। ग्रामीण कस्बे वासियों की हर संभव मदद की जाएगी। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए अनिल कुमार की खास रिपोर्ट फतेहपुर से।